आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछले 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, यूपी में हिंदू मुसलमान या काम को इनाम, कोरोना, महंगाई, किसान करेंगे विपक्ष का कल्याण। दूसरा, भारतीय जमीन पर चाइना ने बसाए गांव। तीसरा, पेट्रोल डीजल के दाम कम, गैस के कब घटेंगे। चौथा, महंगाई बनेगी चुनावी मुद्दा। पांचवा, MSP तो है, मिलेगी कब, बिना खाद खेती को मजबूर किसान। संदीप चौधरी ने अपने डिबेट में महंगाई पर बात की और उसके साथ ही चीन की घुसपैठ को लेकर भी मुद्दा उठाया। देखते हैं उन्होंने चीन के मुद्दे पर क्या सवाल उठाए। चीन तो ऑप्टिक फाइबर्स बिछा रहा है, गांव बसा रहा है, अलग अलग जगह अतिक्रमण कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, चीन मानता कहां दिख रहा है। आपने बहुत सी बातें जो अभी इंट्रोडक्शन में कही वो वही चेतावनी जो है सरदार पटेल ने खत में लिखकर नेहरू को 7 नवंबर 1950 में कही थी कि इन लोगों नेहरू ने गलती की। आप गलती क्यों कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ये करता तो पाकिस्तान को के सामने हमारा होता फुल जोश, चीन के सामने हम क्यों हैं खामोश। संदीप जी, हम खामोश नहीं बैठे हैं, यही तो बात है ना, कूटनीति भी कोई चीज होती है। अगर आज चाइना पूरे विश्व में कॉर्नर हो रहा है तो उसमें क्या आपको लगता है कि भारत का एक रोल नहीं है? केवल लड़ाइयां जो है वो मिलिट्री नहीं होती, डिप्लोमेटिक भी है, बहुत बड़ा अहम योगदान। दौर की बातचीत हो गई, चीन ने सारी बातों को खारिज कर दिया, उल्टा घुसपैठ का आरोप भारत पर लगा दिया, हमने क्या हासिल किया। अब बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। पहला, क्या महंगाई के सपोर्टरों ने महंगाई की बहस जीत ली है? दूसरा, किससे ज्यादा परेशान है, महंगाई से या महंगाई के समर्थकों से? तीसरा, जलवायु बचाने को कितनी एकजुट है दुनिया? चौथा, पेट्रोल का दाम आसमान में, यूरिया खाद का स्टॉक पाताल में। पांचवा, आरोप प्रत्यारोप का चलेगा काम, असली मुद्दों से भटकाना है ध्यान। रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई जरूरी मुद्दों पर बात की। रवीश ने अपने शो प्राइम टाइम में महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाए। महंगाई से परेशान जनता को पता है कि महंगाई के इन सपोर्टरों के सामने महंगाई की बात करना अपनी परेशानी और बढ़ाना है। इस नए सपोर्टर वर्ग को तैयार करने में गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल ने अथक परिश्रम का काम किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हार्डवर्क किया है। जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विचित्र तर्कों की सप्लाई शुरू हो गई थी कि कमाई बहुत बढ़ी है इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी है। अब ये तर्क महंगाई के सपोर्टर के दिमाग में ठीक से फिट हो चुके हैं, उन्हें रोबोट बना चुके हैं। उनसे महंगाई पर बहस कर देखिए, आप खुद पसीने पसीने हो जाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जा रहे हैं। इस कमी के बाद भी पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है और कई शहरों में 95 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है। अगर ये राहत है तो हर आफत का नाम राहत कर दिया जाना चाहिए। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने अपने डिबेट में किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, वोट के मारे सब हिंदू हिंदू पुकारे, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। दूसरा, रमजान से राम तक कैसे बदली सियासत। तीसरा, 32 सीटों का जनादेश क्या है संदेश। चौथा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट बैंक, वोट बैंक की लड़ाई जिन्ना पर आई। पांचवा, पाकिस्तान में कौन तलाशे अपनी जीत। अमीश ने अपने डिबेट में महंगाई के मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं की और ना ही चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी डिबेट हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही की। और इस हफ्ते ये देश है बारे में हम चर्चा करेंगे, देश की सियासत का केंद्र बिंदु हिंदू। आज ये देश है हमारा पे, इस पे होगी जनता जनार्दन और एक्सपर्ट्स के बीच में सार्थक और बड़ी चर्चा। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, आज मैं इस मुद्दे पर तथ्यों और सबूतों के साथ सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला हूं और मैं समझाऊंगा कि आखिरकार हमने ये नाम, मैंने ये नाम क्यों दिया है। क्योंकि 2014 के बाद सिर्फ देश में सत्ता नहीं बदली, सियासत का समीकरण और वोट बैंक भी का फॉर्मूला भी पूरी तरह से बदल गया। कभी मुसलमानों के नाम पर 100-3 सीट गिनाने वाली मायावती आज ब्राह्मणों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बना रहे हैं और रामलला के दर्शन को अयोध्या भी जा रहे हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की
और देखते हैं वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, शिव के नाम पर भी सियासत। दूसरा, सिर्फ पटाखों से प्रदूषण होता है। तीसरा, वसूली के आका पर शिकंजा कब। चौथा, यूपी में जिन्ना का क्या काम। पांचवा, यूपी में योगी के मुकाबले कौन। ऐश्वर्या ने भी अपनी डिबेट में महंगाई और चीन की घुसपैठ पर कोई सवाल नहीं उठाए, तो ऐसे में देखते हैं उनके लिए क्या जरूरी मुद्दे रहे। कि क्यों जब कोई अपने आराध्य के पास, क्यों जब कोई अपनी आस्था में विलीन, क्यों जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाते हैं, क्या वो ये बोल के जाते हैं कि वहां कोई रैली है? क्या वो ये कहते हैं कि वहां कोई पॉलिटिकल स्पीच है? क्या वहां जाके वोट मांगे जाते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उसको कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये लोगों से कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर चला जाए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले जाएं। कैसे, क्यों और वहां जाके पूजा अर्चना। आपको इनमें से कौन सा एंकर जानकारी देता नजर आया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।